सीखेंगे हम शेप्स। याद है कि भूल गए सब? चलिए आज शेप्स का रिवीजन करेंगे हम। शेप्स हमने सीखा हुआ है ना, तो आज हम शेप्स का रिवीजन करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने सब शेप्स ड्रॉ कर लिए। तो ये कौन सा है, कौन सा शेप है? ये है ट्रायंगल, फिर ये है सर्कल, फिर ये देखिए ये क्या है, स्क्वायर, उसके बाद ये है रेक्टेंगल, ये तो स्टार है, ये तो सबको पता होता है ना। चलिए तो फिर से बोलिए, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड स्टार। ये क्या है फिर से, ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, स्टार। ओके, अभी देखिए मैं बताऊं ट्रायंगल कैसे बनाते हैं। चलिए इसके अंदर मैं ड्रॉ करती हूँ, आप ध्यान से देखना। हाँ, ये देखिए जैसे ए बनाते हैं ना, ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल के लिए हम जो स्लैंटेड डाउन करते हैं वैसे, स्लैंटेड डाउन, सेकंड स्लैंटेड डाउन, देन स्लीपिंग, तो बन गया ट्रायंगल। फिर सर्कल, सर्कल बनाने के लिए कर्व, अभी दूसरा इस साइड से कर्व बनाएंगे, ये पहले वन साइड, देन सेकंड साइड, तो बन गया सर्कल। अभी ये क्या है, स्क्वायर, तो स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर से स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, तो बन गया स्क्वायर। देन उसके बाद क्या है, ये रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल के लिए क्या करेंगे, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन को थोड़ा स्क्वायर से लंबा बनाएंगे, स्लीपिंग लाइन, देन स्टैंडिंग लाइन, देन स्लीपिंग लाइन, तो बन गया रेक्टेंगल। और ये स्टार, स्टार के लिए क्या करेंगे, पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, ये एक बना लिया, अभी सेम ट्रायंगल उल्टा बनाएंगे, ये देखिए बन गया हमारा स्टार। समझ में आया? ऐसे ही क्या करना है, शेप्स ड्रो करने की प्रैक्टिस करो घर पे, कैसे कौन सा शेप बनता है, तो आपको फटाफट से सब शेप्स आ जाएंगे। ओके, तो फिर डू प्रैक्टिस। बाय।